आज कोई मूवी रिव्यू नहीं, कोई मूवी प्रमोशन नहीं, कोई सॉन्ग रिव्यू नहीं। जी हाँ, आज उस शख्स की बात करेंगे जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नया अध्याय स्थापित कर दिया था। सुपरस्टार क्या होते हैं ये सिखाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री को। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अभिनेता दिलीप कुमार की या अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान की। जी हाँ, ये दोनों ही शख्स एक हैं। बॉलीवुड में आने से पहले उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। फिर जैसे ही उन्होंने फिल्में साइन करनी शुरू की तो उनको किसी ने बोला कि आपको अपना नाम चेंज करना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तब उन्होंने अपना नाम चेंज किया और दिलीप कुमार नाम रखा। अभी हाल ही आज सुबह की ही बात है, 7 जुलाई 2021 सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। जी हाँ, दिलीप कुमार सर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो कैसे हुआ उनका निधन, क्या थी उनकी प्रॉब्लम, ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वन एंड ओनली नौशाद अली और आप देख रहे हैं क्रैक माइंड अली। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज सुबह लंबी बीमारी के बाद अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। वो 98 साल के थे। काफी समय पहले से वो सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और आज 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। जी हाँ, ये वही अभिनेता दिलीप कुमार है जिन्होंने दिखाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि सुपरस्टार किसे कहते हैं। इनका ऐसा रुतबा था कि जब ये छा रहे थे, जब इनकी फिल्में एक के बाद एक मेगा हिट ब्लॉकबस्टर हो रही थी, तब कोई दूसरा अभिनेता इनके सामने पानी भी नहीं भरता था। जी हाँ, ऐसे अभिनेता इन्होंने पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या बोले कि रिकॉर्ड फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड 8 बार जीता है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया इन्होंने। ये इकलौते ऐसे भारतीय अभिनेता है जिन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड 8 बार जीता, जो कारनामा अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे दिग्गज कलाकार भी नहीं कर पाए, वो कारनामा कर दिखाया था दिलीप कुमार ने। जी, ज्वार भाटा मूवी से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी और दाग मूवी में पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। ये वो अभिनेता है जिनको सबसे पहले हॉलीवुड से बुलावा आया था हॉलीवुड मूवी में काम करने का, पर इन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था। इन्होंने भारतीय इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाकर रखा। जब राजेश खन्ना आए तब इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई थी, पर फिर लगभग 4-5 साल के गैप के बाद ये वापस इंडस्ट्री में आए। पर फिर इन्होंने एक सह कलाकार के तौर पे काम किया क्योंकि उस वक्त इनकी काफी एज हो गई थी, मेन लीड रोल नहीं मिल पा रहे थे। पर फिर भी इन्होंने सौदागर जैसी दमदार मूवी में रोल करके साबित कर दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। 1998 में इनकी आखिरी मूवी किला आई थी, उसके बाद इन्होंने कोई फिल्म नहीं की थी और आज सांस की प्रॉब्लम से इनका निधन हो गया। दिलीप कुमार सर हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे और अपनी मूवीज से इन्होंने जो करके दिखाया है शायद ही इनका स्थान कोई और अभिनेता ले पाएगा। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे और इनको स्वर्ग में जगह मिले। खैर, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।